माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने मुझे परिवर्तन बजट 2024-25 की अनुदानों की मांग संख्या 22 पर उस शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रेमचंद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उनके द्वारा उक्त बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र के में कन्या महाविद्यालय को पीजी से यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने राजशेष के तहत 3-4 कॉलेजें खोली थी। कॉलेजें तो खोल दी, पर आज उनकी स्थिति है फैकल्टी के नाम पर उन कॉलेजों में जीरो है, एक भी वहाँ कोई लेक्चर कोई प्रिंसिपल नहीं है, खाली डेपुटेशन पे एक एक दो दो लेक्चर लगे हुए थे, वो भी अभी सरकार ने डेपुटेशन ख़त्म करने के वजह से वो भी वहाँ से हट गए। अब वहाँ इनों चारों कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ पर स्टाफ जीरो हो गया, खाली विद्या संभल के एक एक दो दो लड़के लगे हुए हैं। अब इसके तहत मैं तो मानता हूँ उस ऐसी कॉलेजों में जहाँ हमारे युवा पढ़ने जा रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ने जा रही है, उनको पढ़ने के बजाय उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिस कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलेगी, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ फैकल्टी नहीं है, तो क्या पढ़ पाएंगे, क्या आगे बढ़ पाएंगे? वो तो खाली एक फॉर्मेलिटीज है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पर वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूँगा कि उन कॉलेजों में पिछली सरकार तो खाली घोषणा कर गई, बाकी कुछ व्यवस्था करके नहीं गई, पर आपसे मेरा आग्रह है इन कॉलेजों में फैकल्टी की व्यवस्था की जाए और वहाँ पे लेक्चर्स लगाए जाए। दूसरा, माननीय सभापति जी, मेरी विधानसभा एक का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी, और उसमें एक इलाका ऐसा है जहाँ 20 से 25 किलोमीटर तक कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। कोथून रोड पे वो समेल, सोशिंगपुरा, दौलतपुरा, ओदाइली, सवासा, महाराजपुरा, ऐसी ग्राम पंचायतियाँ पड़ती है जहाँ बच्चियों को पढ़ने के आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, और बच्चियाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण या तो 12वीं तक पढ़ के छोड़ देती है, अन्यथा बहुत दूर आना जाना पड़ता है। तो मेरा विशेष माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहाँ एक कॉलेज खोला जाए ताकि बच्चियों को एक बड़ी व्यवस्था होए और एक कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाला निर्णय होगा। पुनः आपको धन्यवाद देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।